हाँ सर, यस। लेफ्ट हो गया, नहीं मैम है लेफ्ट ना, हो गया। नहीं है, शुरू करो सर। हाँ है मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है मैम। अच्छा आप वापस, आप मुझे बताएं, आप अपने बारे में कुछ और बताएं मुझे। जो आपने लिखा है अपने प्रोफाइल में वो तो मैंने पढ़ा है, उसके अलावा आप कुछ और बताना चाहें तो जरूर बताएं मुझे आप पहले। सर, मैंने अपनी मूलभूत शिक्षा अपने गांव से अर्जित की है, और उसमें सर उस शिक्षा के दौरान मुझे कुछ अवार्ड भी मिले थे मेरी एजुकेशन में, जैसे गार्गी अवार्ड एंड सर विद्यार्थी कल्याण ट्रस्ट अवार्ड। और सर उसके बाद मैंने अपने स्नातक और स्नातकोत्तर के बाद सर जैसे ही अपने जॉब ज्वाइन की, उसके बाद सर जॉब में भी मैंने अच्छा काम किया, तो उसके लिए सर मेरे को एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला हुआ है। और सर वर्तमान में मैं जिस सर्विस में हूँ उसके लिए सर मैं अपना बेहतर देने का प्रयास कर रही हूँ। साथ ही सर मैं अपने फ्यूचर के लिए एस्पिरेंट भी हूँ, तो वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। मुख्यतः ऐसा लगता है कि आप जिस भी फील्ड में हैं आप अपना बेहतर देने का प्रयास करती है, क्योंकि बहुत सारे जो अवार्ड है आपके नाम है इसमें। आपके प्रोफाइल से इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि आपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है। सर ग्रेजुएशन का सॉरी तो सर, क्लियर है, मैंने लेकिन पोस्ट वनस्पति ग्रेजुएशन इसमें शास्त्र, कुछ क्लियर नहीं हाँ हो रहा। वनस्पति शास्त्र से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। अच्छा, महारानी कॉलेज से आपने किया है। सर ग्रेजुएशन किया है मैंने महारानी कॉलेज से, और सर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने विवेक अच्छा, पीजी महाविद्यालय बीएससी में कालवा आपके से। पास, सर अच्छा, रिकॉल आवाज क्लियर नहीं सब्जेक्ट है। आपके पास में केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी हुआ करते थे बीएससी में। जी सर, अच्छा, चलो आपके सब्जेक्ट पे अपन पहले बात करें अपन। आपने जूलॉजी पढ़ा है, कॉर्डेट के बारे में मुझे बताएं। कॉर्डेट के कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर कॉर्डेट को अपन क्लासिफाई करते हैं टैक्सोनॉमी में, जो आपने पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट वो प्राणी होते हैं जिनके अंदर परस्पररज्जु पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमन एक एग्जांपल ले सकते हैं उसका। सर मैं अभी एक ही रीजन याद कर पा रही हूँ। क्या ह्यूमंस के अंदर परस्पररज्जु या नोटोकॉर्ड होती है क्या? जी लेकिन सर, क्या ह्यूमन के अंदर नोटोकॉर्ड होती है क्या, परस्पररज्जु जिसको आप कह रहे हो, होती है क्या? मैंने हाँ तो कह नहीं पढ़ा सर, इसमें कि परस्पररज्जु होती है ह्यूमंस के अंदर। सर जो अपनी मेरुरज्जु होती है वो। हेलो सर, आवाज आ अच्छा रही, आवाज हाँ, सुन रहा हूँ मैं। आ रही आपकी? हाँ आवाज आ रही है, मेरे पास आ रही है आपका। हाँ सर, चलो, आप, आवाज नहीं आ रही मेरी। अच्छा सर अब आ गई। अब आ गई। हाँ, आपके बॉटनी से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है ये? सर ये जो आनुवंशिकता के जो जनक है मेंडल, उनके द्वारा जो लॉ ऑफ जिन्होंने आनुवंशिकी के नियम दिए थे, उसमें जो प्रभाविता का नियम है, तो सर एक जीन जो प्रभावी फर्स्ट पीढ़ी के प्रथम संकरण पीढ़ी में जो जीन अपने लक्षण प्रकट करते हैं उनको प्रभावी, लेकिन जो नहीं कर पाते उनको अप्रभावी डोमिनेंट बोलते हैं। सॉरी सर मैं भूल चुकी हूँ, वैसे मैंने रिकॉल क्वेश्चन नहीं मेरा की है, थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? अच्छा अपूर्ण प्रभाविता, सॉरी हाँ, सर मैं अपूर्ण कुछ प्रभाविता। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो, आप उद्योग प्रसार अधिकारी अभी वर्तमान में हैं, ये जी क्या सर, जॉब है और इसकी किस तरह से इस जॉब में आया जाता है? सर ये राजस्थान में अधीनस्थ मंत्रालय द्वारा संचालित की गई एक भर्ती परीक्षा थी, जिसमें जो अनुभव मांगा गया था वो स्नातक का अनुभव मांगा गया था। उस सर इसका जो वर्क कल्चर है, और स्टेट के अंदर जो भी राज्य के अंदर जो भी उद्योग संचालित किए जा रहे हैं उनको, उनका रजिस्ट्रेशन करना, लोगों को अधिक से अधिक उद्योग लगाने के लिए और उस सेक्टर में निवेश के लिए आकर्षित करना, जो भी सरकार की योजनाएं संचालित की जा रही है उनका जमीनी स्तर तक लोगों को उनके लिए अवेयर करना, सर ये काम मेरा रहता है। कौन से ग्रुप की सेवा है और कौन से लेवल में है आप, सर मैं अभी आपका एल पे लेवल? टेन लेवल पे हूँ, और ये सर अधीनस्थ सेवा है, उद्योग अधीनस्थ सेवा। अच्छा,
अच्छा, मुझे एक उद्योग खोलना है, मेरे पास पैसा नहीं है, प्लान है मेरे पास, आप क्या सलाह देंगे मेरे को? सर, जो भी राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं ब्याज अनुदान वाली, उसके बारे में मैं आपको सलाह देना चाहूंगी। सबसे पहली जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगी। तो उसमें मैं बताना चाहूंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप उसके लिए एक ऑनलाइन ई मित्र वाले के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, फिर हमारे पास आपकी एप्लीकेशन आएगी और सर फिर हम आपका मैक्सिमम 10 करोड़ तक का लोन उसमें सैंक्शन करवा देंगे। तो बैंक के थ्रू आपका लोन सैंक्शन होगा अच्छा, और मार्जिन मनी सर इसमें 5% तक की मार्जिन मनी आपको दी जाएगी, तो आपको भी बेनिफिट हो जाएगा 10 करोड़ तक के लोन को। 5% मार्जिन मनी ये भी आप मुझे देंगी, मतलब मुझे आप इसमें दिलवाएंगी हाँ सर, अगर और आपका मुझे लोन कुछ दस भी करोड़ अभी तक, इसमें खर्च नहीं करना है। ओके सर, हाँ मतलब इसमें सर अच्छा, ये है कि आपको क्या लोन लेना, सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए आप। सर अगर आपके पास खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो अगर आपको लोन लेना है तो उसमें सर 25 लाख से 10 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं, और उसमें सर मार्जिन मनी हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पर इसमें सर खुद का कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है, लेकिन क्वार्टरली आपको किस्तें तो पे करनी पड़ेगी। जैसे कि अपन लोन ले रहे हैं बैंक से, तो अपन को मंथली वो जो किस्तें बन रही है मंथली क्वार्टरली, वो अपन को पे करनी पड़ेगी, और जो सब्सिडी है सर वो एक साथ अपने अकाउंट में आ जाएगी। तो फिर इतना आसान है तो फिर उद्योग संस्कृति हमारे राजस्थान में क्यों उत्पन्न नहीं होती है? क्यों राजस्थान के उद्योगपति को बाहर जाना पड़ता है? इतना आसान है, सर पैसा आप देती हैं, आइडिया हमारे पास में है, क्या चुनौतियां ऐसी है जिस वजह से हमारे हाँ यहाँ सर, उद्योग संस्कृति नहीं उत्पन्न हो पाती है, विकास नहीं हो पाता? ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि राजस्थान ने हाल ही में जैसे ये जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की गई थी स्टेट्स की, उसमें छठा 8वें स्थान हासिल किया था, 90वें स्थान से स्टेट 8वें पे आया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ निवेश अनुकूल माहौल नहीं है सर। कुछ रीजन्स है जो मैं बताना चाहूंगी उसमें है, एक तो सर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ, एक सर आधारभूत ढांचागत कुछ कमियां हैं, और सर प्रशासनिक जटिलताएं भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। अच्छा चलो, राजस्थान के चार अलग अलग क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र। आपको चारों क्षेत्रों के लिए उद्योग प्लान करने हैं, जी सर, किस किस प्रकार के उद्योगों को वहां पर प्रोत्साहन करेंगे? सर जो भी राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, मैं जानती हूँ कि वहाँ किस चीज़ की संभावना है। जैसे कि वहाँ कॉटन इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है, तो वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप करवाने की सजेशन दूंगी। सर जैसे पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की जो भी प्लांट्स है वो लगवाने की सलाह दूंगी। और सर जो दक्षिणी राजस्थान है, वहाँ पे सर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती है, साथ ही सर पवन ऊर्जा की संभावनाएं भी है वहाँ पे होती है। और सर जो अपना पूर्वी राजस्थान है सर, वहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियर एंड हीरे जवाहरात जो हैंडीक्राफ्ट वाली इंडस्ट्रीज है वो डेवलप की जा सकती है। चलो बहुत अच्छा है, बिल्कुल संभावनाशील तो है हमारा राजस्थान। एक ऐसी संभावना मैं देखता हूँ कि अपने यहाँ फेल्डस्पार, फ्लोरस्पार, ये हमारे अजमेर रीजन में बहुत उत्पन्न होता है और बहुत इसका खनन बहुत अच्छा होता है, आपने भी सुना होगा ऐसा। लेकिन ये टाइल से संबंधित जो उद्योग है हमारे यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ से हमें सब कुछ खनन करके यहाँ से गुजरात भेजना पड़ता है, गुजरात में मोर भी बहुत बड़ा सेंटर है इसका। क्या कारण है इसका, सॉरी क्यों सर, हमारे यहाँ पर कच्चा माल होते हुए भी हम इसका विकास नहीं कर पा रहे हैं? मैं इसके बारे में ज़्यादा अवगत नहीं हूँ। मैंने मतलब टाइल्स इंडस्ट्रीज का ज़्यादा मतलब पढ़ा नहीं, तो मैं शायद अच्छा आंसर नहीं दे पाऊँ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उद्योगों का जो नया वर्गीकरण आया है अभी, उसके बारे में आप बता दें। सर इसमें जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है उनकी परिभाषा में बदलाव किया गया है। इसमें सर निवेश और टर्नओवर को भी शामिल किया गया है। तो सर जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है उसमें पहले जो लिमिट थी उसको 1:1 निवेश और टर्नओवर का जो अनुपात है वो पूंजी और निवेश का अनुपात 1:5 किया गया। तो सर अभी मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही, बस मेरे को इतना पता है कि जो मैक्सिमम मीडियम जो एंटरप्राइजेज है उसमें 50 करोड़ का टर्नओवर है, 50 करोड़ का निवेश है, और 250 करोड़ का निवेश टर्नओवर होना चाहिए।
अभी सर मैं ओड लिमिट याद नहीं कर पा रही एग्जैक्टली। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मेरी तरफ से हो गया है मैम। नेक्स्ट विशाल जी प्लीज शुरू करें। थैंक यू सर। जी गीता जी, आप जी उद्योग सर। प्रसार अधिकारी लगे हुए हैं वर्तमान में ना, जी सर। कहाँ पोस्टेड हैं आप? सर वर्तमान में मैं जिला उद्योग केंद्र जयपुर ग्रामीण में कार्यरत हूँ। संतुष्ट हैं आप अपनी सेवा से? सर मैं वर्तमान में जहाँ जॉब कर रही हूँ मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ और मैं उससे संतुष्ट भी हूँ, लेकिन सर मैं कैरियर में कुछ बेहतर के लिए प्रयासरत हूँ और मेरा लक्ष्य है राजस्थान सिविल सेवा में जाना, तो उसके लिए सर मैं 2016 से प्रयासरत हूँ। हालांकि मैं ये नहीं मानती कि ये सर्विस मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन सर जैसा कि संविधान के मूल कर्तव्य 10 में ये बताया गया है कि हर किसी को अपने बेहतर के लिए प्रयास करना चाहिए, तो सर वो मैं कर रही हूँ। जी चलिए, आप बेहतरी के प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप ये बताइए, जयपुर में आपके गणगौर और तीज महोत्सव दोनों ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जी सर। जानकारी है आपको इसके बारे में? हाँ सर। जी बताइए, क्या है गणगौर, क्या है तीज महोत्सव, क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या सर समानता है? जो हिंदू मान्यताएं हैं उसमें एक गणगौर माता पार्वती की प्रतीक होती है और चैत्र शुक्ल त्रेता को सर गणगौर उत्सव मनाया जाता है होली के 18 दिन बाद, और सर इसमें एक सवारी निकाली जाती है जो परकोटे के अंदर जो जयपुर का परकोटा है उसमें निकाली जाती है, और सर जो तीज की सवारी है वो उसमें भी चैत्र वो सर श्रावण शुक्ल त्रेता को मनाया जाता है, वो भी सर जो माता पार्वती है उसी उसी के दोनों में माता पार्वती की सवारी निकाली जाती है। जी सर, पर उसमें कुछ डिफरेंस है, जो सवारी निकाली जाती है सर वहाँ मैं अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही, जो विसर्जित की जाती है प्रतिमा एक जगह सर तालकोटरा में विसर्जित की जाती है जो परकोटे के अंदर, और सर एक मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही एग्जैक्टली। अच्छा, आपने डेफ में जो प्रेफरेंस भरी है पोस्ट की, वो टॉप 5 जो प्रायोरिटीज है आपकी पोस्ट वाइज वो बता दीजिए आप। सर सबसे पहले मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भरी है, उसके बाद राजस्थान पुलिस सेवा भरी है, उसके बाद सर राजस्थान लेखा सेवा भरी है, उसके बाद सर राजस्थान जो बीमा सेवा वो भरी है, उससे 5वें नंबर की अच्छा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। के मतलब टॉप 5 में ये जिला उद्योग अधिकारी की पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है। हेलो सर आवाज रुक गई बीच में। जी मैं कह रहा हूँ, आपके जो टॉप 5 प्रेफरेंस है उसमें जिला उद्योग अधिकारी की प्रेफरेंस आपने नहीं ली, इसका कोई विशेष हाँ कारण? सर, इसका विशेष कारण ये है कि जिस पोस्ट में मैं अभी हूँ उसको मेरे 2 साल पूरे हो गए हैं और 3 साल बाद सर मैं स्वतः ही अगर उस पोस्ट में रहूंगी तो भी मैं जिला उद्योग अधिकारी में प्रमोट हो जाऊंगी, तो सर मैं बेहतरी के लिए प्रयास करना चाह रही हूँ अभी, तो मेरा लक्ष्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना है, इसलिए सर वो मैंने सबसे पहले। एक तो आप 5 साल बाद में प्रमोट होके जाएंगे, एक आप भी इस वैकेंसी की तरफ पहुंच जाएंगे। आपको नहीं लगता 3 साल का समय काफी होता है, उससे पहले ही आप पहुंच सकते हैं? सर वो सर्विस ऐसा नहीं है कि मैंने भरी नहीं है अपनी प्रेफरेंस में सर, पर मेरा जो प्राथमिक लक्ष्य है वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना है, इसलिए मैंने उसको वरीयता दी है। अपने इंश्योरेंस सेवा को भी वरीयता दी है जिला उद्योग अधिकारी के ऊपर, जी इसका सर, कोई विशेष कारण? क्योंकि सर जो इंश्योरेंस सेवा है वहाँ सर एक तो जैसा कि क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मेरे पे पारिवारिक जिम्मेदारी भी रहेगी इन फ्यूचर, तो अगर उस सर्विस में मेरा हो रहा है तो मैं उस सर्विस में रह के आगे स्टडी कर पाऊंगी फर्दर, इतना रस नहीं रहेगा जितना जिला उद्योग अधिकारी की सेवा में रहता है, तो उस वजह से मैंने सर वो सेवा भरी थी, और सर उससे आर्थिक जो सशक्तता वो भी उसमें ज्यादा। अच्छा, आप वर्तमान L8 में, L10 में हैं आप, है ना? सर मैं L10 में हूँ अभी। आपके जो पदानुक्रम है आपकी सेवाओं में, उद्योग सेवाओं में, क्या जी आप बता सर। सकते हैं? जी सर। सर जो सबसे पहले होता है उद्योग, मतलब मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ सर, उद्योग जी प्रसार अधिकारी, उसके बाद जिला उद्योग अधिकारी, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड उसके बाद अच्छा, कमिश्नर। एडिशनल पहले आएगा, असिस्टेंट पहले आएगा? सर जो ADI होता है वो पहले आता है असिस्टेंट डायरेक्टर, आपने एडिशनल डिप्टी पहले बोल डायरेक्टर। दिया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, डेप्यूटी से पहले आपने एडिशनल पहले बोला, डेप्यूटी से। हाँ सर हमारे यहाँ ADI की पोस्ट है, उसके बाद डिप्टी,
उसके बाद जैसे असिस्टेंट एडीआई एडिशनल होगा या असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर? डायरेक्टर इंडस्ट्री। जी आपने पहले एडिशनल डायरेक्टर बोल दिया था, ओके चलिए ओके कोई बात सॉरी नहीं। सर। वर्तमान में ये दिल्ली राजधानी क्षेत्र को लेके एक बिल चर्चा में है, क्या आपको जी जान सर सके इसके बारे में कुछ? जी सर सर वहाँ पे एनसीटी क्षेत्र अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा अभी लोकसभा के अंदर। वो सर उसमें जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको सर ज़्यादा पावर्स दी गई है। और जैसा कि सर संविधान के ढांचे जो संघवाद का जो ढांचा है उसके विपरीत देखा जा रहा है सर इसे। और सर जो केंद्र का जो एक अपना सर सॉरी सर मैं एक मिनट जो सर उसमें एक निर्वाचित सरकार है विधानसभा जो केजरीवाल सरकार है और उसके ऊपर सर लेफ्टिनेंट की पावर्स को बताया ऊपर रखा गया है आर्टिकल 134 AA में ऐसा जो प्रावधान है उसमें सर अमेंडमेंट किया गया है तो वो संवैधानिक ढांचे के विपरीत प्रतीत हो रहा है। आपको नहीं क्योंकि लगता अदर कि अदर स्टेट में सर ऐसा नहीं है। अदर स्टेट में जो भी कानून पारित किए जाते हैं उसमें सर मंत्रिमंडल का निर्णय को प्रायोरिटी दी जाती है, राज्यपाल उसके बाद में मतलब एक सहमति प्रकट करता है। लेकिन सर अभी जो दिल्ली सरकार में हो रहा है वहाँ राज्यपाल को मतलब जो भी डिसीजन होंगे वो राज्यपाल की सहमति से ही रखे जाएंगे। तो सर ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल इशू रहा है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर जो ये वर्तमान में बिल लाया गया है और पूर्व में दिल्ली को राजधानी का राज्य का दर्जा नहीं देके और इसमें विधानसभा की व्यवस्था की गई है, तो क्या आपको क्या लगता है ये राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है या वाकई में जो है आवश्यकता के अनुरूप ये डिसीजन लिए जाते हैं? सर ये जो सर सरकार का इसके पीछे रीजन रहा है कि दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा जो सीएम है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो सर ये कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखने के कर किया वर्तमान में तो गया एक लेफ्टिनेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है, कैसे कोऑर्डिनेशन रहेगा? यहाँ तो केंद्र ज्यादा प्रभावी रहेगा। सर। लेकिन ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो हालांकि अपन को भी पता है कि वो केंद्र का एजेंट होता है लेकिन अगर कोऑर्डिनेट होकर सरकार चलेगी तो वो उसको ध्यान में रखते हुए सर ये एक्ट बनाया गया है। चलिए कोई बात, आप ये बताइए कि जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप चल रही थी ट्रम्प काल में, जी सर वर्तमान में बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद में और रशिया, चाइना और अमेरिका और इंडिया, इन देशों के बीच में जो अभी समीकरण बन रहे हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि S-400 जो मिसाइल रोधी प्रणाली है रशिया से लेने के लिए, उस पर एक तरफ अमेरिका रोक लगाने के लिए कह रहा है कार्सा के तहत, और दूसरी तरफ सर आवाज चाइना कट के कट के आ रही। प्रधानमंत्री। जी अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर बीच में कट रही एक थी। तरफ अमेरिका जो S-400 मिसाइल रोधी प्रणाली अपन रूसिया रशिया हाँ से सर क्वेश्चन खरीद मेरे रहे को हैं समझ में आ गया मैं आंसर कर जी, देती। और दूसरी तरफ क्वाड को लेके जो चाइना को घेरने की रणनीति है वो पैरेलल चल रही है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इंडिया की रणनीति क्या रहनी चाहिए? सर वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए जो राजनीतिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बाइडेन की सत्ता में आने के बाद हालांकि जो भारत के संबंध ट्रंप के काल से ही है अमेरिका के हमेशा से ही अच्छे रहे अमेरिका के साथ वो ट्रंप में भी अच्छे थे और बाइडेन के समय भी। लेकिन हाल ही में जो ट्रंप और रशिया के बीच वो सॉरी बाइडेन और जो व्लादिमीर पुतिन के बीच विवाद आया उससे सर ये बात की जा रही है कि कार्सा के तहत इंडिया पे प्रतिबंध लगाई जाएंगी। लेकिन अभी तक ये सर कहीं पे भी पुष्टि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इंडिया को जो कार्सा के तहत प्रतिबंध किया जाएगा। और एक सर जो क्वाड वाला इशू है उसमें सर हिंद महासागर क्षेत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो सर चाइना के जो प्रभाव है उसको प्रति संतुलित करने के लिए जो बना रहे हैं अपन क्वाड ग्रुप वो सर वहाँ पे ये है कि इसमें अपन अच्छा मतलब अमेरिका से अपना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो ये अपन एक अच्छा विदेश नीति के अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मतलब अच्छे रूप में पेश कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो दोनों सर अभी मतलब अपन को और इंतजार करना चाहिए हालांकि प्रतिबंध अभी लगा ही नहीं है पूरी तरीके से तो इसमें मैं अभी सर थोड़ा चलिए प्रिपेयर्ड ठीक नहीं हूँ अच्छे से। है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्तमान में भारत की रैंक काफी सुधार हुआ है, जी सर ठीक है, इसके बावजूद काफी ऐसे क्षेत्र है जिसमें भारत को और सुधार करने की आवश्यकता है।
जो 10 मानक तय किए गए, आपको पता है किन किन क्षेत्रों में भारत अभी भी पीछे है और उसमें सुधार की गुंजाइश है? आप मुझे केवल पॉइंट आउट बता दीजिए। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, वैक्सिंग वेस्टिंग करके एक टर्म अभी चल रही है, आपको इसके बारे में जानकारी है? हाँ सर, जो वैक्सीन से वेस्ट हो रही है उसके बारे में मैंने सुना है क्या कैसे हो रही है वेस्ट? सर, जैसे कि वैक्सीन किट में जो ट्यूब्स आती है वो एक बार खोलने के बाद अगर कैंडिडेट टाइम पे पहुंच नहीं पाता तो जी गीता जी, सुन पा रहे हैं मुझे? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है उनको, थोड़ा लास्ट ये क्वेश्चन ले लो सर, फिर विशाल जी हिमांशु जी को मौका देते हैं ना। एक्चुअल में क्या 10 मिनट लेट ही स्टार्ट हुआ था ना। हाँ लेट स्टार्ट हुआ, बिल्कुल मैं मानता हूँ सर। जी, नंदू सर क्या को ज़्यादा करें, इंतजार करना मैडम को पड़ेगा सर। नहीं 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 मैडम के बिल्कुल जुड़ने का तो नहीं। इंतजार करेंगे सर, मैडम के जुड़ने का तो इंतजार करेंगे सर। हेलो अच्छा, मैडम, सुन पा रहे हैं आप गीता जी? मैडम शायद डेफ हो गए हैं, वापस कनेक्ट नहीं हुए हैं, अब लेफ्ट हैं। मैं से रिकॉर्डिंग बंद कर लो आप। देख लेते हैं, 1 मिनट वेट कर लेते हैं ना, कोई नहीं, फिर अच्छा वो आगे आगे हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट किन का है? नंदू सर का है ना, हाँ नेक्स्ट नंदू सर का है मोदी जी। जुड़ गए हैं क्या नंदू सर? देखता हूँ सर, हाँ जुड़ गए हैं, जुड़ गए हैं सर नंदू सर। नजर नहीं आ रहा है सर। जुड़ा हुआ हूँ सर, जुड़ा हुआ हूँ। अरे नमस्ते सर। सर सर नमस्ते सर। नहीं। सर 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 मैं आज गीता जी केवल जुड़े हैं ऑडियो, वापस? हाँ या तो कंटिन्यू करते हैं, आपको टाइम वैसे भी हो जुड़े गया, कहाँ सर? गीता जी जुड़े नहीं है, कैसे करें? या तो एक बार सर का शुरू कर देते हैं, अगर गीता जी जुड़ते हैं तो केवल फीडबैक देना ही रहेगा। अच्छा ऐसा है, हाँ 2 मिनट के लिए स्टॉप करके सर को आप बताइए क्या करें। मायूर सर बताओ। उनकी बैटरी डाउन हो गई शायद, उनका मैसेज आया है। वो कंटिन्यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है, शायद कंटिन्यूज नहीं उनका कर एंड पाएगी। हाँ एंड कर देते उसका हैं। एंड कर लो, एंड कर लो आप, और नेक्स्ट नंदू सर का शुरू कर लेते हैं। नंदू सर का